मध्य प्रदेश का निवाड़ी क्षेत्र सफेद सोने की फसल उत्पादन के मामले में नंबर वन पर आता है। इसके साथ ही महाराष्ट्र और खरगोन जिले में भी कपास की बंपर पैदावार होती है, लेकिन इस साल गुणवत्ता के मामले में दमोह जिले के बटियागढ़ ब्लॉक के करौना कला गांव में होने वाली कपास की बंपर पैदावार ने तमाम जिलों को पछाड़ दिया है। दमोह जिले में उगने वाले सफेद सोने की क्वालिटी सभी पैमानों पर खरी उतरी है, जिस कारण यहां के कपास की दूसरे जिलों में भारी डिमांड हुई है। इसे ऊंचे दामों में बेचकर किसानों को तगड़ा मुनाफा हो रहा है। नाम चीला, हम कपास की खेती करी है। दमोह जिला में अच्छे कपास आओ इस साल, ऐसा तो अपना बड़वानी जिला में भी नहीं आओ, महाराष्ट्र में भी नहीं, गुजरात में भी नहीं आओ, इतना अच्छो एक नंबर का कपास है। मंडी में जाते तो अपना कपास अलग एक नंबर का कपास बिकता भी है और अच्छा है भी। मंडी में क्या दाम मिल जाता है? मंडी में खरगोन मंडी में 7,000 7,500 ऐसे बिक रहा है। प्रति एकड़ कितना मुनाफा कमा लेते हैं? प्रति एकड़ में अपना ये 10-11 कुंटल आ रहा है, और उसमें अपने को एक एकड़ पे 10-11 हज़ार मतलब लगभग खर्चा आ रहा है। इस फसल को करने में सबसे बड़ी परेशानी क्या निकल कर सामने आती है? परेशानी इतनी ज़्यादा नहीं है, अपनों जो निंदाई गुड़ाई करना, दवा डालना इतनी ज़्यादा है।